यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 22 यिर्मयाह अध्याय 22 यहोवा ने यो कहा कि यहूदा के राजा के भवन में उतरकर यह वचन कह कि दाऊद की गद्दी पर विराजमान यहूदा के राजा तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों में आया करते हैं यहोवा का वचन सुन। यहोवा यो कहता है कि न्याय और धर्म के काम करो और लूटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ और परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर और उपद्रव मत करो और इस स्थान में निर्दोषों का लहू मत बहाओ, क्योंकि देखो यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। परंतु यदि तुम इन बातों को न मानोगे तो यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी सौगंध खाता हूं कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा। यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यो कहता है कि तू मुझे गिलाद देश सा और लबानोन का शिकार सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय मैं तुझे जंगल और निर्जन नगर बनाऊंगा और मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा। वे तेरे सुंदर देवदारों को काटकर आग में झोंक देंगे और जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे तब एक दूसरे से पूछेंगे कि यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है। तब लोग कहेंगे कि इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत किया और उनकी उपासना भी की है। मरे हुओं के लिए मत रो, उनके लिए विलाप मत करो। जो परदेश चला गया है उसी के लिए फूट फूट कर रो, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने न पाएगा। क्योंकि यहूदा के राजा योशियाह का पुत्र शल्लूम, जो अपने पिता योशियाह के स्थान पर राजा है और इस स्थान से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यो कहता है कि वह फिर यहां लौटकर न आने पाएगा। जिस स्थान में वह बंधुआ होकर गया है उसी में वह मर जाएगा और इस देश को फिर कभी न देखने पाएगा। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी ऊपरौठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है और अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। वह कहता है कि मैं लंबा चौड़ा घर और हवादार कोठा बना लूंगा और वह खिड़कियां रखवा लेता है। फिर वह देवदार की लकड़ी से पाटा जाता है और सिंदूर से रंग दिया जाता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म से काम करता था और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। यहोवा की यह वाणी है, क्या इसका मुझे ज्ञान नहीं है? परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोषों की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने पर अपना मन और दृष्टि लगाता है। इसलिए योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यहोवा यह कहता है कि जैसे लोग इस रीति से कहकर रोते हैं कि हाय मेरे भाई, वह हाय मेरी बहन, वह हाय मेरे प्रभु, वह हाय मेरे विभव, इस प्रकार तेरे लिए कोई विलाप न करेगा, वरन उसको गधे की नाई मिट्टी दी जाएगी, वह घसीटकर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। लबानोन पर चढ़कर हाय हाय कर, तब बाशान जाकर ऊंचे स्वर से चिल्ला, फिर अबारीम पहाड़ पर जाकर हाय हाय कर, क्योंकि तेरे सब मित्र नाश हो गए हैं। मैंने तेरे सुख के समय तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा कि मैं तेरी न सुनूंगी। तेरी युवा अवस्था ही से ऐसी चाल चली कि तू मेरी बात नहीं सुनती। तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे और तेरे मित्र बंधुआई में चले जाएंगे। निश्चय तू उस समय अपनी सारी बुराइयों के कारण लज्जित होगी और तेरा मुंह काला हो जाएगा। हे लबारोन की रहने वाली,
हे देवदार में अपना घोंसला बनाने वाली, जब तक तुझको जच्चा किसी पीड़ाए उठे तब तू व्याकुल हो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्याह मेरे दहिने हाथ की अंगूठी भी होता, तो भी मैं उसे उतार फेंकता। मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिनसे तू डरता है उनके, अर्थात बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और कसदियों के हाथ में कर दूंगा, और मैं तुझे जन्नी समेत एक दूसरे देश में, जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है, फेंक दूंगा, और वही तुम मर जाओगे। और जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा करते हैं, वहां कभी न लौट पाएंगे। क्या यह पुरुष कोन्याह तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकालकर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यो कहता है कि इस पुरुष को निर्वंश लिखो, इसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा, और इसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान व यहूदियों पर प्रभुता करने वाला न होगा।